तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा, तो गाइस बेनी ने मेरे को कॉल करके बुलाया था शोरूम में, और गाइस उसने बताया था कि यार एक ना मतलब काफी ज्यादा तगड़ी रेस होने वाली है लॉस सैंटोस में, जिसका विनिंग प्राइस है $50 मिलियन। तो गाइस वो जो रेस थी वो मैंने जैसे तैसे जीत ली थी, और गाइस उसके बाद ना एक मतलब गैंग के बॉस ने मेरे ऊपर अटैक करवाया, क्योंकि मैंने जो रेस थी वो जीत ली थी, तो गाइस उसने इसलिए मेरे पर अटैक करवाया। तो गाइस फिर मैं गया था लेसर के पास, और गाइस लेसर ने सारे सीसीटीवी हैक करके मेरे को जो गैंग की लोकेशन है, मतलब जो बॉस की लोकेशन है, जो गैंग बॉस की लोकेशन है, वो मेरे को दे दी थी। और गाइस फिर मैं आ गया था यहाँ पर मतलब अटैक करने के लिए, और गाइस आप लोग पीछे की तरफ देख पा रहे होगे, ये मतलब उसी की जगह है, मतलब वो जो गैंग का बॉस है उसी की ये मेंशन है, मतलब मेंशन नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या बोलूं मैं इसको। आप लोग देख पा रहे भाई साहब, गाड़ी तो कचरे की तरह भर रखी है। तो सर पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना ज्यादा पैसा होने के बाद भी यार वो मेरे पर अटैक क्यों करवा रहा है। तो सर उसके बाद है ना मैं उसके अंदर घर पे गया था, और सर तो सर उसने ना मतलब जिमी को किडनैप कर लिया, और भाई साहब कैसे किडनैप किया मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार उसको मेरे बारे में इतना पता कैसे है। तो सर उसने कहा कि यार जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे, जब तक मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा, मतलब जिमी को नहीं छोड़ूंगा। और सर अब ना यार उसका हमको काम करने पड़ेगा, नहीं तो यार वो है ना जिमी को एक तरीके से मरवाई देगा। तो गाइस उसने मेरे को ये बोला कि एक है ना यार जेट चुराना है, और गाइस वो कोई ऐसे वैसे जेट नहीं है, तो गाइस वो जेट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और गाइस उसी जेट की मतलब जो कीमत है वो है $150 मिलियन। मतलब भाई यार कितनी ज्यादा तगड़ा जेट होने वाला है। और गाइस ये जेट ना मतलब ये मिलिट्री का सबसे सुपर फास्ट जेट है, और मतलब एक ही जेट है पूरे लॉस सैंटोस में, और गाइस ये काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो गया। और गाइस आप लोग देख पा रहे मतलब ट्रेवर अपना यार गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत की बात है, ट्रेवर भी काफी ज्यादा परेशान है। ट्रेवर तो ये बोल रहा था कि जाके मत्थे पे गोली मारते हैं, लेकिन यार मैंने यार ट्रेवर को जैसे तैसे शांत कर लिया। अब यार ट्रेवर लड़ने का फायदा नहीं है, अब यार सोच समझ के काम लेना पड़ेगा हमको। अगर यार कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो यार ये है ना मतलब ये जो बंदा है ये जिमी को किल कर देगा, और यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से ना ट्रेवर से बात करता हूँ, तो गाइस यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और गाइस वो जो बंदा है ना वो कह रहा है कि जैसे तैसे तुमको बस 2 दिन के अंदर अंदर वो जो जेट है वो मेरे यहाँ पर खड़ा कर रहा है लाके, और वो मिलिट्री वालों से जाके चुराना एक तरीके से यार इम्पॉसिबल से ही लग रहा है मेरे को तो। बट यार अभी ना मेरे को लेसर से पूछना पड़ेगा सबके बारे में कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ पर इसको मार तो दूं, लेकिन यार अभी ना जो जिमी है फिर वो खतरे में पड़ जाएगा, और गाइस ये मर गया तो यार जिमी तो मरना ही है। तो पहले तो जल्दी से यार ट्रेवर भाई जल्दी से गाड़ी को बोनट से उतर जाए यार, तू तो मजे से बैठा हुआ है। ओके तो गाइस यहाँ पर ट्रेवर भी उतर चुका है, ट्रेवर जल्दी से आकर बैठ जाए, बिल्कुल भी देरी मत कर। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, और गाइस पहले मैं जाऊँ लेसर के पास, यार उसी के पास जाकर पूछना पड़ेगा कि यार क्या क्या सीन है, और गाइस ये जो मिलिट्री का जो भी जेट है ना ये कहाँ पर मिलने वाला है। तो गाइस ये जो बंदा बोल रहा है ये तो बोल रहा है कोई एयरक्राफ्ट पे, अगर आप यार पता नहीं हो तो लेसर बताया, क्योंकि लेसर है ना उसके पास सारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और भाई साहब इसने बना क्या रखा है भाई, कितना ज्यादा खतरनाक जगह पर इसने बना रखा है। तो कैसे इसका तो मैं मुंह तोड़ूं बहुत अच्छी तरीके से, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे एक बार ना मैं जिमी को बचा लूं मैं, तो इसको ना यहीं पे आके मुंह तोड़ूंगा, इतनी बुरी तरीके से मार के जाएंगे ना इसको, ये भी सोचेगा कि किससे पंगा लिया है मैंने। अब यार इसको माइकल की ताकत तो नहीं पता, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से जल्दी से मैं राइट की तरफ लेता हूँ। तो भाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ यार 500 लाइक के लिए, तो भाई पूरा करा देना। और गाइस 80 की अपनी यार लेजी फैमिली करवा दो जल्दी से। ओके तो गाइस जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकलता हूँ सीधा लेसर के पास, मतलब अपने सीक्रेट बेस के ऊपर। और गाइस आप लोग देख पा रहे हो भाई यार हम बस पहुँच गए हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लगाता हूँ अंदर की तरफ, और गाइस लेसर किधर की तरफ है। ओके तो यहाँ पर जल्दी से गेट खुल जाएगा। ओके तो ऑटोमेटिक गेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यार ट्रेवर तू भी जल्दी से उतर जा, और गाइस अभी ना मेरे को लेसर से बात करनी पड़ेगी। लेसर किधर की तरफ है, पीछे की तरफ होगा, और ट्रेवर आ रहा है। ओके गाइस यहाँ पर ट्रेवर भी आ रहा है। ओके तो गाइस मैं हो सकता है तो ट्रेवर को ही लेके जाऊँगा अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो सकता है। यार यहाँ पर यार लेसर किधर की तरफ है, सर पहले तो मैं जल्दी से आके तरफ निकलता हूँ। और अंदर की तरफ तो नहीं बैठे हुए ना भाई साहब ये लोग, कभी यार टीवी देख रहे नहीं आज तो। ओके को तो सामने की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे भाई साहब, यहाँ से मेरे से विंडो के आगे की तरफ दिख चुका है, और भाई ट्रेवर पहुंच गया मेरे से पहले। वाह भाई पता नहीं कौन से रास्ते पहुंचा है, मुझे लग रहा पीछे वाले रास्ते से पहुंचे होगा। कोई दिक्कत की बात है, मैं भी जल्दी से पहुंच जाता हूँ जल्दी से। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे भाई साहब यहाँ पर ही चिल मार रहे हैं, और गाइस अभी तक इनको कुछ पता नहीं है कि यार जो जिमी है वो किडनैप हो चुका है, मतलब ये बॉस ने किडनैप कर लिया है। और यहाँ पर भाई साहब सीजे तो अपना मजे में पूरा मतलब मजे लेता रहता है, और फ्रैंकलिन नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे, पता नहीं यार फ्रैंकलिन किधर की तरफ है। अब यार मैं जल्दी से पहले तो यार लेसर से बात करता हूँ। ओके जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो यहाँ पर मेरी लेसर से बात हो चुकी है, और लेसर ये बोल रहा है कि यार वो जो जिस जेट की बात कर रहा है वो बॉस वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह पर है, और गाइस वो एक अलग ही एयरक्राफ्ट के ऊपर है, मतलब वो जेट है ना वो मतलब मिलिट्री वालों से
पूरा घिरा हुआ है। तो कैसे उस जेट को चुराना कोई आसान काम नहीं है। और कैसे लेसर ये बोल रहा है कि यार तुम जेट को अनलॉक तो कर लोगे, क्योंकि लेसर है मेरे को एक ऐसी की दे रखी है जिससे कि यार सारे के सारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन यार लेसर ये बोल रहा है कि तुमको अकेले जाने में काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर अभी तो मैं फिलहाल के लिए अकेले जाऊंगा। सर वो जेट है ना वो मतलब अकेले ही मतलब $150 मिलियन का है। तो सर आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और सर वो जेट है ना मतलब एक तरीके से पूरा मतलब तबाही है। अगर वो जेट किसी ने चुरा लिया ना तो मतलब यार ये सोचो कि यार लॉस एंड एक तरीके से कब्जा कर लेगा। उसके अंदर इतने सारे मिसाइल्स हैं, इतनी सारी तबाही है। पहले तो मैं ऐसा आगे तक निकलता हूँ। और अभी ना मैं लेसर की बाइक लेके निकलूंगा। ओके तो सर यहाँ पर मतलब डम्बल अम्बल पड़े हैं, कभी आएंगे या टाइट करके जाएंगे अपनी बॉडी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से पहले मैं वहाँ से बाहर की तरफ निकलता हूँ। और सर अपनी जो गाड़ी ना अपनी गाड़ी को लेकर मैं नहीं जाऊँगा, लेसर की बाइक लेके जाऊँगा। और सर लेसर ने मेरे को सब कुछ समझा दिया कि कैसे कैसे क्या करना है। पहले तो यार गेट खुल जल्दी से। और भाई साहब लेसर यार लेसर भाई साहब पैसा वैसे ज़्यादा खर्च करने लग गया मुझे ऐसे लग रहा है। वैसे तो लेसर यार सही में बहुत ज़्यादा कंजूस इंसान है। और सर कभी भी है ना मतलब यार कभी भी सुपर कार तो खरीदता ही नहीं है, मतलब खचाड़ा सी एसयूवी में आता जाता रहता है। और सर अब तो उसने नई सी बाइक खरीद ली है, कोई बात नहीं। बाकी तो लेसर का कुछ पता नहीं है कि हम उसकी बाइक ले गए हैं, अगर देख पता चल गया तो वैसे भी कुछ नहीं करेगा, अपना अच्छा खासा दोस्त है। बाकी तो जल्दी से अपनी यहाँ से बाइक को भगाता हूँ, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। और सर अब यार मैं सीधा जा रहा हूँ उस एयरक्राफ्ट के ऊपर जहाँ पर वो जो जेट है वो रखा हुआ है मिलिट्री वालों ने। जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते जा रहा हूँ सीधा भी उसी लोकेशन पर जो मेरे को लेसर ने बताई है। और कैसे लेसर ने कहा था कि यार तुमको नहीं वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल सकता है। तो अभी चल के देख लेते हैं किधर की तरफ है। और बाकी तो यहाँ पर ना एक मिनट यहाँ पर अजीब अजीब से बंदे बंदे खड़े हैं, पता नहीं किस हिसाब के बंदे हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर हमको किसी से कुछ लेने देने नहीं है, बट अपने को यहाँ सीधा जो एयरक्राफ्ट है उस पर निकलना है। बाकी यार यहाँ पर ओके तो यहाँ पर किधर की ओके सामने की तरफ मेरे को जो हेलीकॉप्टर है वो दिख चुका है। तो कहते ये जो बाइक है ना ये लेसर की है और ये मेरे को वापस भी लेके जानी है। तो यहाँ पर मैं खड़ी कर देता हूँ। बाकी तो बस यार कोई चुराए ना, क्योंकि यहाँ पर ना सारे वर्कर हैं, किसी ने इतनी अच्छी खासी बाइक कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी, चुरा के ले जाएंगे भाई यार मुंह तोड़ दो उनका। अभी जल्दी से भाई हेलीकॉप्टर में जल्दी से बैठते हैं। ओके तो अब यार ये लोग ओके तो कैसे जल्दी से मैं इसको तोड़ दूँ और कैसे सीधा निकलते हैं। और कैसे मेरे को पता नहीं किधर की तरफ लग रहा है वो जो एयरक्राफ्ट है। ओके तो यहाँ पर तो ओके जैसे कि आप लोग पीछे की तरफ देख पा रहे वो जो एयरक्राफ्ट है वो दिख तो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा धुंधला से दिख रहा है। कोई बात नहीं अभी जल्दी से हम अपनी हेलीकॉप्टर को उड़ाता हूँ। भाई सब कैसा हेलीकॉप्टर है भाई ये। ओके गाइस आप लोग स्पीड टेस्ट कर पा रहे हो, मतलब भाई 500 की स्पीड में भगा रहा हूँ मैं। अभी जल्दी से पहले आगे से आगे तरह निकलता हूँ और देते क्या सीन होता। बाकी तो भाई चुपके से निकलना पड़ेगा हमको यहाँ से। ओके तो बाकी तो मेरे को ना यार मुझे लग रहा है उतर रहे तो देंगे नहीं, मेरे को ना यहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी कि भैंसी था। तो कैसे यहाँ पर ना मैंने जंप कर दिया है, अगर मैं हेलीकॉप्टर से आता तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा सीन होने वाला था। अब मैं ना मैं साइड में उतरूंगा बिल्कुल और उधर बजाना स्टार्ट कर दूँगा। और वो जेट है ना वो लेके अपन लोग निकल लेंगे। और वो जो हेलीकॉप्टर भाई आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे होगे वो भाई पानी में डूबने वाला बहुत ही बुरी तरीके से। बस यार ब्लास्ट ना हो, तो ब्लास्ट नहीं हुआ जो कि अच्छी बात है। ओके तो भाई आराम से बस मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ। ओके तो कैसे यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है लैंडिंग हो जाएगी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लैंडिंग हो चुकी है। एक मिनट तो मेरे को ना यहाँ पर पहले तो छुपना पड़ेगा। ओके ऐसे तो मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। भाई एक मिनट भाई यहाँ पर तो कवर लेने का भी वो नहीं है। और वैसे सामने की तरफ मेरे को इतने सारे बंदे दिख रहे हैं, तुम्हारी भैंस टांग बिल्कुल यहाँ से जितने बंदे दिख रहे हैं सब मारेंगे आज। ओके तो कहते मेरे को उनको मारना पड़ेगा। और कहते यहाँ से ना अपना जेट लेके जल्दी से निकलते क्योंकि निकल मारने का इतना टाइम नहीं मेरे पास कि इनको सबको मारूँ। भाई सब कितने सारे बंदे हैं कि ऐसी की तहसीब बेटा सब मारोगे आज। तो कहते मेरे को उनको मारना पड़ेगा नहीं तो यार जो जिमी है वो मार जाएगा। तुम्हारी ऐसी की तहसीब बेटा आज चुराने दो, बस कभी भी नहीं चुराऊंगा, बस आज चुराने दो, आज लेके जाने दो तुम्हारा जो स्पेशल जेट है। अब बेटा दूर हो भाई मुँह के सामने आ गया। और कहते ये कैसी मिलिट्री है भाई, कुछ अलग ही टाइप की मिलिट्री है। वो पीछे की तरफ तुम्हारी भैंस की टांग निकलो यहाँ से, तेरी ऐसी तैसी बेटा एक बार रिलोड होने दे तब तुझे बताता हूँ मैं। तो सर ये बंदे भी गए। ओके तो तेरी ऐसी की तैसी बेटा निकल यहाँ से। तो सर ये बंदे भी गए। ओ भाई ये कैसी मिलिट्री है अजीब सी। तो सर ये मिलिट्री तो मेरे को अजीब सी लग रही है। और सर इनकी जो ड्रेस है वो मिलिट्री वालों से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो अगर यहाँ पर कुछ अलग ही सीन ना हो जाए, कभी यार मैं इनको मार रहा हूँ कभी कुछ अलग ही हो जाए। और ओ भाई तो सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने मास्क नहीं लगा रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आज बेटा बिना मास्क के मारोगे तो तेरी ऐसी की तैसी। बेटा तू भी निकल यहाँ से और बेटा आप भी निकलो ऊपर की तरफ। ओ भाई साहब तेरी भैंस की टांग। और बेटा रुक रुक एक बार रिलोड हो दे तब तेरा भरता बनाता हूँ मैं, बेटा निकल यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी। तो फिर ये बंदा भी गया। और बेटा किधर की तरफ, आज इनका सबका नाश मार दूंगा, आज जितने भी दिख रहे ना बेटा सब मारोगे आज। क्योंकि यहाँ पर भाई साहब गन अच्छी सी नहीं आ रही हाथ में, तो बेटा निकलो यहाँ से। तो सर ये बंदा भी गया। और सर मेरे को ना लेसर ने ये कहा था कि यार सारे सारे जितने बंदे उन लोग किल करने के बाद एक इनका जो कंट्रोल रूम है वो एक तरीके से मतलब तबाह कर देना, मतलब एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना,
क्योंकि यार अगर वहाँ की जो जितने भी सीसीटीवीज है अगर इनमें अगर मेरी शक्ल आ गई तो यहाँ पर काफी तक गंदा सीन हो जाएगा, बकवास सीन हो जाएगा। ऊपर की तरफ बेटा कहाँ चढ़ रहे हो, ऊपर की तरफ तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऊपर चढ़वाता हूँ तुम्हें आज मैं बेटा, किधर की तरफ से मार रहा बेटा सामने एक बार तो बेटा जी मूवी भी देखने आएगा भाई मजे से। ओ भाई तो मेरे को जेट दिख गया, मेरे को जेट अलग ही दिख गया, और उसे आप लोग ये जेट देख पा रहे हो भाई कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, और कहते हैं सबसे सुपर फास्ट जेट है पूरे लॉस एंड उसका, ओके मतलब मिलिट्री वालों का बेटा। ऊपर की तरफ से उतर के तो ऐसा आ रहा है जैसे मार देगा बेटा, ओके तो कैसे रिबंद बेटा उठने की जरूरत मत कर दियो नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, ओके बेटा ये भी गया, ओके ओके तो कैसे इनका ना जल्द से मेरे को सर्वर रूम ढूंढना पड़ेगा बेटा। किधर की तरफ एक बार शकल दिखा अपनी, ये गोल चला रहा है लेकिन मेरे को अभी तक तेरी ऐसी की तैसी, तो कैसे ये बंदा भी गया, ओके ओके तो कैसे अभी जल्द से मैं ऊपर की तरफ निकलता हूँ, ऊपर की तरफ भी पता नहीं किधर जाना है, और कैसे इनका जो सर्वर रूम है जो कंट्रोल रूम है वो एक तरीके से बस डिस्ट्रॉय कर देना है ताकि यार ओ भाई तेरी भैंस की टांग भाई बिल्कुल मुंह के सामने आ गया भाई साहब जी बंदा, ओके तो ये बंदा भी गया, और बेटा जी आप भी निकलो, तो ये बंदा भी गया, ओके तो बेटा सब आ जाओ आज, आज जितनी भी तुम्हारी प्रजाति है ना सब मिटा दूंगा, ओके को तो गाइस जी ओके को ओ मेरे को दिख गया दिख गया दिख गया बेटा, शकल दिखा शकल दिखा 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 तो दिख गया मेरे को बेटा, छुप मत तेरी ऐसी की तैसी भाई, छुप छुप के मार रहे हैं। तो कैसे ये जो इनका ना ये कंट्रोल रूम ही है और मेरे को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। एक मिनट पीछे से बंदे बंदे तो नहीं आ रहे ना, तो मेरे को ना यहाँ पर अपने स्टिकी बम निकालने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैंने स्टिकी बम जल्दी जल्दी से लगाया था, दो चार लगा देते हैं बाकी तो स्टिकी बम से पूरा का पूरा जितने भी है ये खत्म हो जाए। ओ भाई गोली पड़नी स्टार्ट हो चुकी है, और कहीं ना ओबे तेरी ऐसी तैसी बेटा देख लिया, छुप मत भाई सब छुप तो ऐसे रहा है बेटा निकल यहाँ से। तो कहते पीछे की तरफ आप, ओ भाई तो पीछे की तरफ काफी तगड़ा नुकसान हो गया, अब तेरी ऐसी की तैसी भाई मरने के बाद मतलब जिंदा होकर मार रहा है, तेरी ऐसी की तैसी तू भी निकल यहाँ से। आज इनको सबके पास भगवान के पास पहुंचा दिया मैंने, ओके तो कैसे इस तरफ का तो मैंने जो भी कंट्रोल रूम था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस तरफ भी है क्या कुछ, ओके ओके तो कैसे इस तरफ भी है तुम्हारी ऐसी तैसी, इस तरफ तो मेरी गनी काफी है तुम्हारी है भैंस की टांग सबको सब। तो कैसे इनको डिस्ट्रॉय करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर यार मेरी शक्ल आ गई यार सीसीटीवी में तो यहाँ पर काफी तगड़ा सीन हो जाएगा। और कैसे ये मैं ना मतलब अपना मास्क लाना भूल गया था, तो कोई बात नहीं अभी पहले तो यहाँ जल्दी से निकलते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते, और कैसे मेरे को जो जेट है वो दिख गया है, अभी पहले तो यहाँ जल्दी से निकलते हैं। अबे भाई कहाँ से कूद गया मैं गलती से यार, अब सामने की तरफ ना मेरे को जेट दिख गया है, और उधर आप लोग ये जेट देख पा रहे हो भाई कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो वैसे ये जो जेट है ये उस बंदे को देते हैं मतलब उस बॉस को देते हैं, और ये भाई जाली वाली क्या लगा रखी है, हटाओ इनको सबको जितनी दिख रही है ये, ओके तो कैसे ये जो जाली मुझे लग रहा पता नहीं किस लिए लगा रखी है। ओ भाई भाई तो गाइस कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई, तो जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं, ओके ओ भाई साहब यूनाइटेड स्टेट पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, ओके कितना ज़्यादा खतरनाक है, बड़ा साउंड कर रहा है, तो अभी जल्दी से इसको लेके उड़ते हैं यहाँ से। और जैसे इसका जो रनवे ना कितना ज़्यादा छोटा सा है पता नहीं उड़ पाएगा नहीं उड़ पाएगा, ओके तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेता हूँ यहाँ से इसको, और जल्दी से ना इसको जल्दी से उड़ा के लेके चलते हैं, ओके तो यहाँ पर मैं जो है टेक ऑफ कर दिया, अब जल्दी से भाई उड़ जा उड़ जा उड़ जा, ओके कैसे यहाँ पर उड़ चुका। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई, बिना बूस्ट के 400 की स्पीड पकड़ ले रहा है भाई, सही में गाइस काफी ज्यादा खतरनाक जेट है, और तो आप लोग देख पर कितना ज्यादा मतलब यार अलग ही सीन हो गया। तो गाइस इसको चुराने एक तरीके से काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो गया, अभी जल्दी से मैं यहाँ से आगे तक निकलता हूँ। और गाइस आप लोग देख पा रहे होगे मतलब हमारे पीछे ना पुलिस नहीं पड़ी है, क्योंकि यार पुलिस का कुछ काम नहीं है, ये जो सीन है ये मतलब मिलिट्री वालों का है, और मिलिट्री वालों को कुछ पता ही नहीं है। तो गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार इस जेट के अंदर ट्रैकर भी तो लगा हो सकता है, वो ट्रैक भी तो कर सकते हैं, बट अभी कोई बात नहीं। तो सर अभी ना पहले तो मैं जल्दी से ना इसको अलग जगह पर लेके जाना पड़ेगा, अब मैं उस जगह पर नहीं लेके जाऊंगा, और कैसे उस बंदे से बोलना पड़ेगा जो बॉस है उससे बोलना पड़ेगा कि यार यहाँ पर आके ले जा, अभी कैसे मैं इसको लेके जाना ट्रैवर की एयरफील्ड में, और वहीं पर जाकर इसको उतारता हूँ। ओके भाई कितना ज़्यादा खतरनाक जेट है, ओ भाई साहब हमें मजा आ गया इसको उड़ा के, तो यहाँ पर बिल्कुल प्यार से अपने को लैंड कराना है। ओके 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 तो भाई आराम बिल्कुल प्यार से तो यहाँ पर भाई कितना तगड़े तरीके से मैंने यार यहाँ पर लैंड करा दिया है, मैंने इसको एक मिनट के लिए यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, और उसे आपको ना एक बार इसकी ना मिसाइल चेक करा दूँ, आप लोग देखना। ओ भाई साहब कितनी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है, ओके ओके भाई साहब मज़ा से आ गया इसको तोड़ा के, तो सर मैंने यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, और मैं एक मिनट के लिए जल्द से यहाँ से जल्द से उतरता हूँ। और सर अभी ना मेरे को उस बॉस के पास कॉल करना पड़ेगा, मैंने बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर तेरा जेट कार्ड है जल्दी से आके ले जा, और सर अब मैंने जल्दी से यार जिमी को छुड़ा के लाते हैं। ओके तो यहाँ पर भाई कैसे पुलिस वुलिस के सायरन बज रहे हैं, तो सर मेरे को पहले तो एक मिनट अंदर की तरफ चलता हूँ, और सर मैं ना उस बॉस के पास कॉल करता हूँ, तो मेरी उस बॉस से बात हो चुकी है, सर वो जो बॉस है वो बोल रहा है कि मैं मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर यहीं पर आ रहा हूँ, मतलब भाई साहब यहीं पर आ रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मिल लेते हैं उससे भी। और सर अब ना उसका मुंह तोड़ूंगा मैं, अगर उसने जिमी को नहीं छोड़ा ना उसका सही में अभी हाथ खोल लेता हूँ मैं अपने, एक मिनट जल्दी से मैं अपने हाथ वाथ खोल लेता हूँ, क्योंकि यार अब ना उसका मुंह पर गुटाई होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो कैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और कैसे अभी ना उस बॉस का मेरे को अता पता भी, ओ भाई भाई एक मिनट तो बाहर की तरफ भाई सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ चुकी हैं, और ये गाड़ी ओ भाई सब ये गाड़ी किसी खड़ी है,
काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। और ओ भाई तो ये ओके तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली यार ये जो बॉस है ये आ चुका है। और इसकी ना दादागिरी जो दिखा रहा नहीं है इसका, बहुत अच्छे तरीके से मैं मुंह तोड़ूंगा किसी दिन। और सर गाड़ी तो काफी ज्यादा लेके आया है, और सर पता नहीं इसकी जो गाड़ी, मुझे लग रहा है ये जो गाड़ी है ये इसी गाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो सर आप लोगों को अगर पता है तो मेरे को यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यार कौन सी गाड़ी है। बाकी तो यार मेरे को मस्त लग रही है काफी ज्यादा। और सर अभी ना मैं जल्दी से मैं इससे बात करता हूँ। तो सर यहाँ पर मेरी से बात हो चुकी है, सर इसने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बड़ा एक स्कैम कर दिया है। और सर ये जो बंदा ये बोल रहा है कि यार अभी तो मेरे को और भी काम करने हैं, तो सर अब ये जिमी को नहीं छोड़ेगा। तो सर मुझे तो लग रहा है इसको यार हमारी पावर पता है, तो सर इसलिए यार अभी ना ये जिमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। और सर ये बोल रहा है कि यार अभी ना तुमको मेरा और काम करने पड़ेंगे, फिलहाल के लिए तो ये यहाँ से जा रहा है। लेकिन यार ये बोल रहा है कि यार नेक्स्ट काम होगा, मतलब जो अगला काम होगा वो ये हमको फोन पे बता देगा। और सर सही में इसको यहाँ पर मेरा मुंह तोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन जब तक जिमी नहीं छूटता है तब तक यार मैं यार इसको कुछ नहीं बोल सकता। सर अभी तो ये फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसका ना मैं बहुत अच्छे तरीके से मुंह तोड़ू यहाँ पर। अबे भाई कितनी गंदे तरीके से गाड़ी चला रहा है वो भाई साहब, कितना भाई बिल्कुल ही भाई बुढ़ा सा हो रखा है। लेकिन भाई गाड़ी कितने बकवास तरीके से चला गया है। और भाई तुम्हारा बॉस जा चुका है, अभी यार एम करके बैठे हैं। तो सर मुझे लग रहा है ये जो बंदे हैं ना, जितने भी आप लोग बॉडीगार्ड देख पा रहे होंगे, ये जेट है ये लेके जाने वाले हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी यार मैं भी यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और सर तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो सर मैं चाहूँ तो इनको मार दूँ लेकिन अभी नहीं मार सकता। तो सर पहले तो मैं जल्दी से बाहर की तरफ निकलता हूँ। तो सर मैं बाहर की तरफ जा रहा था कि यार मेरे पास अभी ना लेसर कॉल आया। और सर लेसर ने काफी एक बढ़िया न्यूज दी है। लेसर बता रहा है कि यार अभी ना जो जिमी का फोन है वो ट्रैक हुआ है, मतलब जो जिमी का फोन है वो ऑन, मतलब ऑन हुआ था। और सर बहुत ही अच्छा सीन हो गया तेरी ऐसी की। ओ भाई साहब इसकी ऐसी की तैसी, भाई गाड़ी भी नहीं रोक रहा और ऊपर से ठोक के और चला गया, इसकी ऐसी की तैसी। तो सामने की तरफ है ना मेरे को गाड़ियां दिख रही है। और सर अभी मैं बिल्कुल भी लेट नहीं करूंगा, इसकी ऐसी की तैसी गाड़ी छोड़ जल्दी से, तेरी भैंस की टांग, गाड़ी छोड़ जल्दी से, इसकी ऐसी की तैसी तेरा मुंह तोड़ दो मैं। तो कैसे जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को बताता हूँ और बिल्कुल भी देरी नहीं करता। और कैसे जो मेरे को लेसर लोकेशन बता रहा है जहाँ पर जो जिमी की लोकेशन ट्रैक हुई है, अभी वहीं पर चलते हैं। और कैसे जिमी का फोन ऑन हुआ है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब यार ये क्या सीन हो रहा है भाई, गाड़ी में क्या खचड़ा हो गया भाई साहब, क्या हो रहा है ये। तो यहाँ पर मेरे को दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। और भाई पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया, बाइक आगे भाग गया, तेरी ऐसी तेरी बाइक छोड़, वो भी अच्छा हुआ तेरी ऐसी तेरी, भाई साहब पेट पकड़ के फेंका है। ओके तो जल्दी से मैं यहाँ से आगे तरफ निकलता हूँ और बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगा जा रहा हूँ सीधा भी उसी लोकेशन में जो मेरे को लेसर ने बताई है। ओके तो मैं गज पहुंच गया। ओ भाई ऊपर की तरफ मेरे को बंदे दिख रहे हैं। अबे हट जा भाई, क्यों फालतू पिटना चाह रहा है। ओके तो सर ऊपर की तरफ आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब, ये क्या सीन हो रखा है। तो एक मिनट मैं अपना जल्दी से आगे तरफ निकलता हूँ। और अब है ना भाई इनका मैं मुंह तोड़ने वाला बहुत अच्छे तरीके से। तो सर अभी ना जल्दी से ऊपर की तरफ निकलता हूँ। और सर ये बंदे कौन है भाई, तुम्हारी भैंस ना भग जाओ सारे सारे यहाँ से, जल्दी जल्दी भाग जाओ, जल्दी फुर्ती में पहली फुर्सत में निकलो जल्दी जल्दी से, तुम्हारा कुछ काम नहीं यहाँ पर। गाइस सर ओके तो मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ। और गाइस सर ये क्या सीन बना रखा है। ओके तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सारा का सारा नशे का सामान है, मतलब सारा का सारा, मतलब बियर वियर रख रखी है। अब यार पूछ लेता हूँ आराम से, तो मैं जल्दी से मैं इस बंदे से बात करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं इस बंदे से बात कर रहा था, तेरी भैंस की टांग, आराम से पूछ रहा हूँ, ऊपर से बताने में छोड़ो रहा, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। ओके तो बंदा कौन है, तेरी ऐसी की तैसी, बेटा आज तुम्हारा जो भूत है ना सब निकालूंगा। ओके अबे तेरी भैंस की टांग, तो गाइस सर ये बंदा कौन था भाई, ये कहाँ से आ गया। ओके तो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ निकलता हूँ, बेटा गेट खोलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बेटा तेरी ऐसी की तैसी, सबके सब नंगे पुंगे हो रखे हैं। ओके ऊपर की तरफ मेरे को चलना पड़ेगा, तुम्हारी भैंस की टांग, गाइस कहाँ पर इन्होंने जीवे, तेरी भैंस की टांग। ओके तो गाइस ये बंदा भी गया, इन्होंने भाई सब कैसी अजीब सी जगह पर उसने जीवियों को किडनैप करके रख रखा था, तेरी ऐसी की तैसी। ओके तो आने दो, आ जाओ आज सब आ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज तुम्हारी सारी की सारी प्रजाति खत्म कर दूंगा। बेटा बाहर की तरफ आओ, आज मेरे को और भी कोई आते तो नहीं दिख रहे, लेकिन एक मिनट में अंदर की तरफ चलता हूँ, अब डरना वरना बहुत हो गया। ओके तेरी ऐसी की तैसी, बेटा दिख गया तू मेरे को, तेरी भैंस की टांग, निकले यहाँ से। तो सर ये बंदे भी गया और बेटा आप भी निकले यहाँ से। तो सर ये भी गया और ये भी गया, गए गए गए। ओके तो बाहर की तरफ है ना मेरे को बंदे दिख रहे हैं, बेटा रुको मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ, बाहर का रास्ता किधर है। बेटा रुको रुको एक मिनट, कितने ज्यादा चौड़े हो रहे हो, क्योंकि तो ये कौन सा रास्ता भाई। तो मैं यहाँ जल्दी से उधर की तरफ निकलता हूँ। और बेटा मेरे को तुम दिख गए, रुको रुको तो तेरी ये भैंस, अबे कहाँ भाग रहा है, रुको रुको रुको, बेटा कहाँ भाग रहा है, भाग के जाएगा कहाँ, आएगा तो मेरे पास ही। तो सर ये बंदा भी गया ऊपर की तरफ, मेरे को और कोई है क्या, नहीं ऊपर की तरफ तो नहीं है। और यहाँ पर काफी सारे बंदे मैंने सफा कर दिए, आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे आज आज नाश्ता पानी है कराता हूँ तुम्हारा आज। ओके तो सर यहाँ पर सब को सब मर गए, ऊपर तेरी ऐसी बेटा दिख गया दिख गया दिख गया तो दिख गया मेरे को। ओके तो सर ये बंदा भी गया, और बेटा कहाँ पर है, एक बेटा छुप मत छुप मत, तेरी ऐसी की तैसी, छुप छुप के मार रहे हैं, रुक रुक भाई, मरने के बाद भी पिस्टल से मार जा रहे हैं।
ओके तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर छुपता हूँ और कोई आएगा ना तो उसमें बजा डूंगा। मेरे को एक बंदा तक दिख रहा है बेटा, गेट जैसे खोलेगा ना तेरे में बजाना स्टार्ट कर दूंगा मैं। रुक रुक एक बार रिलोड होने दे तो ये भी गया। और बेटा सब आ जाओ, जितने आ जाओ आज तुम्हारी सारी की सारी जितनी भी गैंग है खत्म कर दूंगा। वैसे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी ना मेरे को कोई बंदा नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा सारी जितनी भी गैंग थी ये मर चुकी है। अब गेट खोलो भाई, गेट पे कौन अब यार ये क्या सीन हो रखा है कि ऐसे गेट पर अड़ रखे हैं भाई बिल्कुल। ओके तो मेरे को ना अब जल्दी से जल्दी जिमी को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यार जो जिमी की लोकेशन है वो यहीं से ट्रैक हुई थी। ओके तो किधर की तरफ, ओ भाई साहब मेरे को दिख गया। आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब क्या हालत बना रखी है, और भाई जिमी को कितनी बुरी तरीके से मारा हुआ है। तो कोई बात नहीं बेटा, जिमी जल्द से उठ जा। और सर अभी मेरे को जिमी को लेकर जाना पड़ेगा सीधा हॉस्पिटल। ओके तो कहते यहाँ पर जिमी उठ चुका है, अभी जल्दी से मैं जिमी को लेकर निकलता हूँ सीधा हॉस्पिटल के अंदर। और तभी देखते हैं क्या सुना था बाकी, तो जल्दी जल्दी से नीचे की तरफ निकलते हैं। और सर यहाँ पर लेस्टर का काफी ज्यादा तगड़ा सीन हो गया, मतलब लेस्टर ने काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर काम कर दिया। वो तो यार मेरे को समझ आ रहा कि यार अभी है ना, मतलब इसका फोन ऑन किसने किया था, मतलब इन्होंने किया होगा कि यार कुछ देख रहे होंगे, एक्टिविटी चेक कर रहे होंगे कि यार ये जो बंदा है कौन है। तो कहीं सर इन गैंग ये गैंग सोच रही होगी कि ये जो बंदा है कौन है, लेकिन यार अभी ना तगड़ा सीन होगा। अरे जिमी किधर रह गया यार, जिमी जल्दी से आ जाए। ओके तो गाइस जिमी भी आ चुका है, ओके जल्दी जल्दी से आके बैठ जाए, जिमी इतना टाइम नहीं है। और सर अभी ना जल्दी से मैं जिमी को लेकर चलता हूँ सीधा हॉस्पिटल, और वहाँ पर देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो बाकी तो यार काफी ज्यादा सही सीन हो गया। और सर अब है ना वो जो बॉस है उसको पता तो चली गया होगा कि यार जो जिमी है, अबे हट जा भाई कैसे बीच रोड में चौड़ में चल रहे हैं भाई, पता नहीं क्या सीन है। ओके तो कैसे जल्दी से मैं अपनी बाइक को ऐसे भगाता हूँ। और कैसे वो जो बॉस है ना वो सोच में पड़ रहा होगा कि यार अब यार वो जो बंदा है हमारा और काम करेगा, मतलब मैं उसका और काम करूँ, लेकिन अब उसका और काम नहीं करना, अब उसे काम खत्म कर देना है। अभी पहले तो जल्द से ना मैं जिमी को हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा, और फिर सीधा मैं ट्रेवर को यार फ्रैंकलिन को साथ लेके निकलूंगा। और कैसे वो जो बॉस है ना उसको सही में इतना बुरी तरीके से मुंह तोड़ जाएंगे। अभी जल्द से अपनी बाइक को से भगाता हूँ। तो कैसे आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस नहीं रखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।